विस्तार से खबरों का जिक्र करेंगे। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां निगम के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। लापरवाही आम लोगों के लिए परेशानी भी बन गई है। यहां पर निगम के स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा अधिक होने से कमिश्नर साहब के बच्चे बीमार हो गए। पूल में तैरने आए बच्चे खुजली और उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद इनका इलाज कराया गया। शिकायत पर नगर निगम अफसर हरकत में आए। स्विमिंग पूल के पानी की जांच के लिए DRDO में सैंपल भी भेजे गए। बता दें कि सैंपल रिपोर्ट आने तक स्विमिंग पूल में तैराकी बंद कर दी गई है। बच्चे तो परसों उनको जो तरुण पुष्कर में उनको तकलीफ हो गई थी, उसके बाद अब स्वस्थ है, डिस्चार्ज हो घर गए। क्या दिक्कत क्या हुई? उनको पल्मोनरी कंजेशन हो गया था। क्या वजह क्या थी उसकी? उसके पीछे जो क्लोरीन का इनहेलेशन कारण हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब गर्मी का मौसम चूंकि आ चुका है, हर जगह स्विमिंग पूल को चालू कर दिया गया है, लोग बड़ी मात्रा में पहुंचते भी हैं, और इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी साफ हो, ज्यादा क्लोरीन की मात्रा ना हो, कि किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट लोगों को ना हो। एक तस्वीर ये भी सामने आई। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ करीब 8 से 10 रजिस्टर्ड स्विमिंग पूल है, जिनमें प्रशासन के, नगर निगम के स्विमिंग पूल भी है, और नगर निगम का जो स्विमिंग पूल है पुष्कर तरुण काल, उसी में 2 दिन पहले ये घटना हुई है। 2 दिन पहले जो ग्वालियर के संभागीय आयुक्त सुदामा खाड़े, उनके 2 बच्चे भी तैराकी करने के लिए गए थे, और अचानक तैराकी करने के बाद जब वो घर लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। उल्टी के साथ ही उनको अन्य जो परेशानियाँ होने लगी, और यही वजह कि जब उनको लेकर हॉस्पिटल पहुँचे तो फिर डॉक्टरों ने बताया कि संभवतः जो स्विमिंग पूल में स्नान करने के बाद क्लोरीन की मात्रा है वो कहीं ना कहीं पानी में ज़्यादा थी, जिसके चलते इन बच्चों की तबीयत पर असर पड़ा है। चूंकि मामला हाई प्रोफाइल था, संभागीय आयुक्त के बच्चों से जुड़ा था, यही वजह कि तत्काल नगर निगम इस शिकायत के बाद, बाकी कमिश्नर साहब के बच्चे थे तो तत्काल रूप से इस पर एक्शन लिया गया और निर्देश दिए गए तरह तरह के। शायद ये आमजन का कोई बच्चा होता, कोई आमजन होता तो शायद ऐसे एकदम से ध्यान नहीं दिया जाता, कोई कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिलती, और ऐसे मामले कई आते भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ दिन पहले जब ये स्विमिंग पूल शुरू हुआ उसके बाद से ही कुछ बच्चों ने पहले भी शिकायत की थी कि इसमें जो पानी है उस पानी से कहीं ना कहीं उन्हें खुजली भी हो रही है, और कई बार जो है उनका जी घबरा कर उल्टी करने जैसे भी हालात बनते हैं। लेकिन इस पर नगर निगम के स्विमिंग पूल संचालकों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ग्वालियर के संभागीय आयुक्त, जो 8 जिलों के एक तरह से प्रशासनिक मालिक होते हैं, उनके बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो फिर ये मामला सामने आया, और आनंद-फानंद में स्विमिंग पूल बंद करके उसका जो पानी है उसको सैंपल के लिए DRDO भेजा गया है। तब तक ये बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। मंडला का जिक्र करेंगे। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई। रामपुरी ओवरब्रिज के पास यह हादसा होना बताया जा रहा है। रफ्तार ने जान ले ली। मंडला में यह दर्दनाक हादसा हो गया। डंपर ने बाइक को टक्कर मारी, पिता पुत्र की मौत हो गई। ये दर्दनाक मौत भीषण सड़क हादसे में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया है। 380 सीटों पर अब तक चुनाव हुए। शाह मोदी जी 270 सीटें जीत चुके हैं। बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है। अब चुनाव 400 पार हो रहा है। पश्चिम बंगाल के वनगांव में रैली में दावा यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं, और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है।
18 से बातचीत में बोले अमित शाह, बताते हैं आपको, राहुल सिर्फ मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, पीएम हर समाज की बात करते हैं, राहुल पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं, राहुल सबका हक छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। ये अमित शाह के द्वारा कहा गया है, पीएम सबको बराबर हक देने की बात करते हैं, तुष्टीकरण कर वोट बैंक तैयार करना चाहते हैं राहुल, ये अमित शाह ने कहा। एक सीधा सवाल हम पूछना चाहेंगे, मुस्लिम भाई बहन भी हमारे भारत के रहवासी हैं, अगर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करना चाहती है तो उसमें बुरा क्या है? उसमें बुराई कुछ नहीं है, केवल मुस्लिमों का नहीं कर सकते। मोदी जी ने हर घर में पानी भेजा, गैस भेजा, बिजली भेजी, घर दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया, अनाज दे रहे हैं, जो सभी को दे रहे हैं, मुसलमानों को ही मिल रहा है, मगर ये वोट बैंक क्रिएट करने के लिए एपीसमेंट की बात कर रहे हैं और इससे और किसी को अन्याय कर उनको देने की बात है, इसका विरोध है।